एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी का टाइम हो चुका है 7:38। तो अपन सुख उड़ चुके हैं। अभी अभी 10 मिनट पहले काना भाई का कॉल आया था, तो काना भाई के साथ अपन थोड़ी सी देर बाद चलते हैं। और अभी अभी दादी ने अपन को गर्मा गर्म चाय दे दी है सुबह की, कल भैया ने इसमें पी थी, आज मैं पी रहा हूँ, क्योंकि भैया आज घर पर है ही नहीं, इसलिए मेरे को ये फ़ायदा मिल गया। और आज अपन ने नई टी शर्ट भी पहन ली जो कि कल अपन लाए थे। बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लग रही है कब नहीं टी शर्ट तो अपनी फेवरेट रहती हैं, टी शर्ट शर्ट वगैरह चीज रहते हैं। तो अब ब्लॉग के साथ करते हैं, भगवान जी का नाम लेके जय श्री राम, और सुबह गर्मा गर्म चाय पीते हैं। यहाँ पर आए हुए हैं हम मीट लेने के लिए, चुमचू सामा अपना निकल जाए, बहुत आराम से करना पड़ेगी। खाना भाई ईट को ऐसे रख रहे हैं और मैं ईट को उठा के ऐसे रख रहा हूँ। सारे सामान को हमने दो कट्टे में रख लिया, तो कट्टे को खाना भाई घर पे रख दिया, ईट वाले कट्टे को तो खाना भाई घर पे रख दिया। आप चलते हैं घर पे, घर पे अपना गर्मा गर्म नाश्ता इंतजार कर रहा है। हाँ, तो सुबह का नाश्ता लेके हम आ चुके हैं मनीष भाई के ब्रेकफास्ट से। यह है पोहा, ये है जलेबी, ये चम्मच खाने के लिए, नमकीन मिला है इसमें स्वाद अनुसार, और हम सुबह का नाश्ता प्रारंभ करते हैं। आपने ना खाया हो तो आप भी नाश्ता कर, जय शियारा। आज सुबह सुबह पापा ने मस्त इंट्रो दे दिया है नाश्ते का। टाइम हो चुका है 10:40, अभी अपन जा रहे हैं पापा के साथ नए वाले घर पर, पापा चल जाएंगे ड्यूटी, आज अपन को दिन भर कहीं पर रुकना है। अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं अंकल के पास पापा के शूज में पॉलिश करवाने के लिए। चमका तो दिए जूते हैं, बेहतरीन लग रहा है ना जैसे। आ चुके हैं अपने घर पर कारीगर भैया, तो अभी तक नहीं। फ्रेंड, हम घर पे तो बहुत देर पहले के आ चुके थे, कम से कम हमें आधा घंटा हुआ है। धीरे से हम कर रहे थे ब्लॉग की एडिटिंग करके ब्लॉग को सही समय पे 12 बजे अपलोड कर दिया है, और अपलोड हो भी चुका है। तो अब अपन क्या करते हैं, अपन नहा लेते हैं, नहाने के बाद भोजन करते हैं। आज मैं टिफिन है ना यहीं घर पर ही लाया हूँ, तो यहीं घर पर ही करेंगे भोजन। और कारीगर भैया अभी तक नहीं आए, देवेंद्र भैया पता नहीं कितनी देर से आएंगे, कल उनका भजन शंकर का कार्यक्रम था ना, तो इसलिए वो कह रहे थे 1 या 2 बजे तक आएंगे। अभी तो बहुत टाइम है भाई, 1 या 2 बजने में, अभी तो 12:30 बजे। अपन नहा के तो मस्त रेडी हो चुके हैं, देखते हैं कौन प्रवीण तांबे सीरीज, और अभी तक देवेंद्र भैया आए नहीं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, 2 बज चुके हैं। अब देखते हैं आज हाउस शट हो पाता है कि नहीं हो पाता है, तो बढ़िया बात है, जल्द से जल्द अपना काम निपटे। नए वाले घर पे पंखा तो है लेकिन ये चालू ही नहीं है। अभी टाइम हो चुका है 4:25, अपन ने कौन है प्रवीण तांबे मूवी देख लो या सीरीज मान लो, कुछ भी मान लो, सीरीज नहीं है वैसे, आई थिंक मूवी है, और मूवी है ना 2 घंटे की, और मूवी देख के है ना काफ़ी मजा आया गाइस। आप है ना एक बार जरूर देखिए, उसमें है ना बहुत सी चीज़ अपन को सीखने को मिलती है। स्टार्टिंग में उसने बहुत क्रिकेट खेला, और बीच में है ना कोच साहब आते हैं ना स्पिन बॉल फेंक, लेकिन उसने मानी नहीं प्रवीण तांबे ने, प्रवीण तांबे है ना वो फेंक के बॉल फेंकते हैं ना, उसका नाम याद नहीं आ रहा लेकिन आप समझ जाना जो भी मैं बोल रहा हूँ, फेंक के बॉल फेंकते ना वो तरह की बॉल फेंक रहा था, तो उसके चक्कर में उसका है ना हर आखिरी मैच में वो हार जाता था। फिर जैसे उसने स्पिन चालू करी वैसे उसको है ना अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलने लगा। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से उसके लिए इन्विटेशन आया, राहुल द्रविड़ ने उससे ऑनलाइन बात करी वीडियो कॉल पर, तो भाई वो तो शौक रह गया हो और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया हो उस टाइम। बहुत अच्छी थी मूवी, तो मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी। हॉटस्टार पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, और कहीं से आपकी जुगाड़ हो आसपास से तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अपने पूरे गेट के ना लॉक लग चुके हैं, ये देखिए इसका भी लग चुका है, किचन का, ये मेरे वाले रूम का भी लग चुका है, और ये सामने भी लग चुका है, और ये भैया वाले रूम का भी लग चुका है, सब लॉक लग चुके हैं ये देखिए। तो फ्रेंड अपन चलते हैं घर पे, देवेंद्र भैया का कॉल लगाया था अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कॉल तो उठाया नहीं, अब मुझे लगता है अब आएंगे, 5 बज चुके हैं, तो अब क्या ही आएंगे, अब क्या ही काम करेंगे, अब तो कल ही देखते हैं। अभी अपन पे है नहीं तो भैया ही लगाएगा ताला, लाइट भी अपन ऑन नहीं करेंगे भैया ही ऑन कर जाएगा, अपन को बस गेट की कुंडी लगाना है। साइकिल 5:30 ऑनलाइन ना भाई जी? नहीं नहीं बना सही, बढ़िया चल रही है एक नंबर। अरे बढ़िया रे साइकिल, सुबह शाम चला, चलो मालूम दिक्कत नहीं आ रही, कहीं दिक्कत नहीं आई, अंकल भी साइकिल चला रहे हैं, वेरी गुड। इस उम्र में चलाना नहीं चाहिए, ये चलाना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, लेकिन जवानी में ज़रूर चलाना चाहिए साइकिल। साइकिलिंग से अपनी बॉडी अच्छी रहती है, और मोटे नहीं होते हैं, और पेट्रोल बचता है, बहुत सी है। ओ जरा सा बच गया भाई वो कुत्ता, इतनी स्पीड में तोड़ा ये भाई, थोड़ा संभाल के चला करो कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता। अभी
अभी हम आए हुए हैं SBI के ATM पर। हाँ देखते हैं आज पैसे डालेंगे कि नहीं डालेंगे। वैसे दो तीन बार आया हूँ ना जब तक तो पैसे डले हैं। डल गए आप क्या निकाल रहे थे क्या? तो अच्छा रहा आपने बैंक में पैसे डल गए। वैसे कुछ दिन से है ना 4-5 दिन से बैंक में पैसे नहीं निकलते। ATM में आ रहे थे भाई सारे ATM बंद थे।